हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का मैथ्स। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? अध्याय एक, संख्याएं, नंबर्स। तुम्हें पता है, गिन तारे में जब इकाई की छड़ पर दसवां मोती आता है तो हम दहाई का नया स्थान बनाते हैं। ये क्या है? इस चित्र में देखो, क्या ये गिन तारा? इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इतने क्या दिए हुए? स्थान दिए हुए हैं ना। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का एक स्थान है, सैकड़ा का स्थान है, ये हजार के स्थान है। तो हमें पता है कि गिन तारे में सिर्फ 9 मोती हम डाल सकते हैं। एक स्थान पर सिर्फ 9 मोती डाल सकते हैं। इन तारे में जब दसवां मोती जब डालने के बारी आता है तो क्या होता है? तो हम दहाई का नया स्थान बनाते हैं। तो हम दहाई का नया स्थान बनाते हैं। फिर दहाई में जब 9 मोती डालते हैं तो जब दसवां मोती डालने की बारी आती है तो दहाई के बाद सैकड़ा स्थान बनाते हैं। अब सैकड़े में भी जब दसवां मोती डालने का बारी आता है 9 मोती डालने के बाद, क्योंकि सिर्फ 9 मोती डालने का ही एक स्थान पे जगह होता है किसमें? गिन तारे में। तो जब सैकड़े में भी अगर दसवां स्थान आता है तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हजार का स्थान लेते हैं। हजार के स्थान को सैकड़े का दसवां स्थान का क्या कहलाएगा? हजार। इकाई का दसवां स्थान दहाई कहलाता है। दहाई का दसवां स्थान सैकड़ा, और सैकड़ा का दसवां स्थान हजार बनाते हैं। इकाई के 10 मोतियों के बदले में दहाई की छड़ में एक मोती डालते हैं तो क्या बन जाता है? वो दहाई है ना। इकाई के 10वें मोती के स्थान पे क्या डालते हैं? उसको हम दहाई के छड़ में एक मोती डाल देते हैं तो वो क्या कहला जाता है? दहाई है ना। दहाई की छड़ पर प्रत्येक मोती 10 इकाइयाँ प्रदर्शित करती है। दहाई की छड़ पर प्रत्येक मोती 10 इकाइयाँ प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जब दहाई की छड़ पर दसवां मोती आता है, जैसे कि पहले हमने कहा था, दहाई की छड़ पर जब दसवां मोती आता है तो उसके लिए हम सैकड़े का स्थान बनाकर उसमें दहाई की के 10 मोतियों के बदले में एक मोती डाल देते हैं। दहाई के 10वां मोती के बदले में सैकड़े में एक मोती डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वो सैकड़ा कहलाता है। यानी 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। यही काम तब भी होता है जब सैकड़े में की छड़ पर दसवां मोती डालने की बारी आती है तो क्या होता है? उसे हम क्या करते हैं? नए स्थान पर डालते हैं। नया स्थान क्या कहलाता है? हजार कहलाता है। इस बार नया बना जो स्थान है वो हजार। 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा और 10 सैकड़ा बराबर 1 हजार। इस चित्र को देखो, गिन तारे पर कौन सी संख्या प्रदर्शित हो रही है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक की संख्या प्रदर्शित हो रही है। अब यदि इकाई की छड़ पर एक और मोती डालना हो तो तुम क्या करोगे? अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा करो। यदि जरूरत हो तो गिन तारा और मोती लेकर खुद कोशिश करो। अब तुम शायद यह सोच रहे होगे कि हमने किसी भी स्थान पर 10 मोती होने से एक नया स्थान बनाया था, वैसे ही अब फिर हमें नया स्थान बनाना होगा तो क्या करेंगे, है ना? अगर हजार के बाद, अब इस हजार में भी जब 10 9 मोती पूरे हो गए, उसके बाद जब दसवां स्थान बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके बाद नया स्थान आता है क्या? 10 हजार। नया मोती को किस में डालेंगे? 10 हजार वाले गिनतारे में। देखते हैं इसके आगे क्या कहलाता है। आगे भी यही लिखा है, यह नया स्थान क्या कहलाता है? 10 हजार कहलाता है। मतलब कि हजार के स्थान पर 9 9 9 अगर हो गया, कंप्लीट हो गया, 9 9 9
मोती भर के कंप्लीट हो गया। तो नए नए एक एक मोती को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10,000 स्थान बनाना पड़ेगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार भर गया। उसके बाद एक और नया स्थान आया, वो क्या कहलाया, 10,000। नीचे कुछ संख्याएं अंकों और शब्दों में लिखी है, इन्हें देखो और बोल कर पढ़ो। इन्हें देखना है और बोल कर पढ़ना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। 12500 ये एक संख्या है ना। इस संख्या को हम अगर पढ़ना चाहें शब्दों में तो क्या पढ़ेंगे, 12500, क्योंकि ये देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दस हज़ार के स्थान पर है, तो क्या कहलाया ये, 12500। वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52, 52,000, 52,000 हो गया। उसके बाद 400, क्योंकि चार जो है सैकड़े के स्थान पर है ना, 457, 52,457, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 93,509, 93,509, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 94,060, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर जीरो है तो इसको हम लेंगे क्या, नहीं, 94,060, ये क्या लिखा है, 94,060। वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,335, 10,325, 325। वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा करके पढ़ते जाना है, जहाँ तक आएगा उसके बाद उसको क्या करना है, पढ़ पढ़ के लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,627, 27,627, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,005। सैकड़े के स्थान पर कुछ है क्या, जीरो है। दहाई के स्थान पर कुछ है क्या, जीरो है। और इकाई के स्थान पर पाँच है, तो 20,005। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,360, 30,360, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और 10,000 के स्थान पर कुछ है क्या, जीरो है, तो क्या हजार के स्थान पे है, तो 4,000 क्या आया, 252, 4,252। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। जैसे ये संख्याएं थी उनको शब्दों में हमने पढ़ा, वैसे ही अब ये संख्याएं हैं उसके लिए रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो इन संख्याओं को हमें शब्दों में यहाँ पे इन रिक्त स्थानों पे क्या करना है, लिखना है। जस्ट पहले जैसे हमने पढ़ा हजार तक की संख्या, 10,000 तक की संख्या पढ़े हमने, अब उसी संख्याओं को इसमें लिखा हुआ है ना, संख्या के रूप में, अंकों के रूप में लिखा हुआ है, उसको हमको क्या करना है, शब्दों के रूप में लिखना है। तो पहला अंक क्या है, 90,932, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की संख्या में आया, तो मतलब 90,932। नब्बे हजार नौ सौ बत्तीस। वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 76,180, 76,180, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 58,151, 58,151।
इक्याई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 65,000 8,49,40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पे शून्य है तो क्या हो गया 9,424 9,424 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,381 18,381 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 77,124 77,124 और आगे क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 45,000 8,064 और अंतिम में क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 89,691